नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 27 जुलाई की तीन बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरियां लेकर आया हूं मैं आज अपने सैन्य कर्मियों, पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो आइए देखते हैं विस्तार से इस वीडियो में क्या है वो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की मेरी पहली खुशखबरी पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से आई है। पीसीडीए इलाहाबाद ने उन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हक में यह सर्कुलर जारी किया है जिनका पेंशन खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। अब इन पेंशन भोगियों के हक में पंजाब नेशनल बैंक का सीपीपीसी का एड्रेस बदली हो गया है और अब यह पीसीडीए इलाहाबाद के कैंपस में ही शिफ्ट हुआ है, जिसका एड्रेस और सीपीपी कोड सभी संबंधित विभागों को ये सर्कुलर की कॉपी के साथ में भेज दिया गया है। तो दोस्तों पीसीडीए इलाहाबाद और पंजाब नेशनल बैंक के सीपीपीसी का एक ही कैंपस में साथ साथ होने से इन पेंशन भोगियों की समस्याओं के निवारण में तेजी आएगी तथा साथ ही साथ इनका पेंशन इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी पहली खबर। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों आज की दूसरी खबर सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, सैन्य कर्मी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से आई है और ये लेटर सर्कुलेट हुआ है 26 जुलाई 2018 को, जिसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट थी ई फाइलिंग करने की 31 जुलाई 2018, अब उसको बढ़ाकर 31 जुलाई 2018 कर दिया गया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी कि अब आपको आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो हो गई आपकी 31 अगस्त 2018। ये आज की ताजा ब्रेकिंग खुशखबरी है मेरे सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। तो दोस्तों ये थी दूसरी खबर। अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों आज की तीसरी खबर livehindustan.com की तरफ से प्रकाशित हुई है 27 जुलाई को सुबह सुबह, और इसमें बताया गया है कि चेक बाउंस होने पर काटनी होगी जेल और चुकानी पड़ेगी भारी रकम। जी हाँ दोस्तों, ये कड़ा कदम है, ये फैसला कड़ा है। दोस्तों बैंक खाते में पैसा ना होने के बावजूद भी जो लोग चेक जारी कर देते हैं ये उनके खिलाफ है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको भारी जुर्माना उठाना पड़ेगा और उनको जेल भी हो सकती है। दोस्तों संसद में अभी अभी विधेयक पारित हुआ है, चेक बाउंस के आरोपी को उसकी राशि का 20% अदालत में अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा करना होगा तथा साथ ही साथ दोषियों को 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। दोस्तों चेक बाउंस होने पर चेक प्राप्तकर्ता को अधिक राहत प्रदान करने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 को राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया, जबकि लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका है। विधेयक पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि समय समय पर संबंधित कानूनों में संशोधन होता रहता है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसा होगा। संशोधन विधेयक के अनुसार अगर निचली अदालत में फैसला आरोपी के खिलाफ आता है और वह ऊपरी अदालत में अपील करता है तो उसे फिर कुल राशि की 20% रकम अदालत में जमा करनी होगी। मौजूदा समय में संपूर्ण भारत की अदालतों में चेक बाउंस के करीब 16 लाख मुकदमे चल रहे हैं, जबकि 32,000 मामले हाईकोर्ट तक गए हुए हैं। तो दोस्तों चेक बाउंस के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है जिसने अब कानून का रूप ले लिया। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी तीन बड़ी खबरें सभी व्यूअर्स के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।